मुझे अच्छा लगा जब मैंने देखा. सो आई थॉट एक्चुअली मैं बॉम्बे में मुंबई में कभी किसी रेड कार्पेट के लिए नहीं आई. सो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम. तो आई वॉन्टेड टू जस्ट वेयर समथिंग जिसमें मैं कंफर्टेबल भी फील करूँ और आई फील ब्यूटिफुल ऑल्सो. सो आई चूज दिस. मुझे तैयार होने में 1 घंटा लगा. या और पहली बार है. सो आई एम स्टिल लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग एवरीवन. मुझे कि मैं सबसे मिलूंगी. पहली बार मैं यहाँ पे आकर सबसे मिलूंगी. सो आई एम एक्साइटेड. बट मेहनत आई थिंक रेड कार्पेट पे आने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है. यू हैव टू गेट रेडी, देन यू हैव टू टेक पिक्चर्स. सो या दैट वॉज बिट ऑफ अ प्रोसेस. थैंक यू. आउटफिट के बारे में YSL का आउटफिट है एंड ऑल ब्लैक नेवर गोज रॉन्ग. नहीं, वो ये तैयार था, एक ही बार पहना, अच्छा लगा, वैसा वाला था एंड बस 1.5 घंटा लगा तैयार होने में और 1 घंटा लगा आने में. I mean, there are many, many. Of course, there's Sonam, Deepika, Kangana. I feel like there are many, many really stylish people whose fashion sense I personally like. What
के बारे में क्या बताऊँ, स्टाइल अवार्ड है, एच टी अवार्ड है ना. ऑफकोर्स आई हैव बीन एसोसिएटेड विद एच टी फॉर ईयर्स नाउ, एंड एच टी इज़ वन पेपर दैट एच टी सिटी, मतलब बचपन से ऐसा लगता है पढ़ते आ रहे हैं. ऑफकोर्स टू बी एसोसिएटेड विद इट, सोनल कालरा हूज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड, रियली रियली वॉर्म ह्यूमन बींग, सो इट्स नाइस टू बी हियर एट अ ग्लैमरस इवनिंग. आ रही हूँ वहाँ पे आ रही हूँ. हाँ जी, इट्स ओके, दिस डज़ नॉट मैटर. रवि जी कैसे हैं आप? आई थिंक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ एच टी मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स. उन्होंने मुझे आज हॉल ऑफ फेम अवार्ड दिया है, एंड आई थिंक अवार्ड से ज़्यादा सबसे खूबसूरत ये गिफ्ट मिला है मुझे, जो मुझे बहुत ही बेहद पसंद है. आई थिंक इट्स सच अ पर्सनल टच जो आज ये मिला है मुझे. आई थिंक ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है मेरे लिए, बिकॉज आई थिंक आफ्टर सो मेनी ईयर्स व्हेन योर वर्क इज़ अप्रिशिएटेड एंड योर स्टाइल इज़ अप्रिशिएटेड फ्रॉम शहर की लड़की टू नाउ, इट फील्स फैंटास्टिक. स्टाइल आई थिंक हर एक का, इंसान का अपना अपना स्टाइल होता है, लेकिन मेरा स्टाइल वो है जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, जिसमें मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा स्टाइल होता है. थैंक यू. Question. Good. Very, very good. Heart is in the right place. Everything's good. Everything's good. मुझे ऐसा लगता है that less is more. आज भी तैयार होते वक्त मैंने बहुत कुछ सोचा था, बट कि ये पहनूंगी वो पहनूंगी, एंड देन माय मेकअप आर्टिस्ट भाविया एंड माय हेयर स्टाइलिस्ट फ्लावियन वॉक्ड इन एंड सेड टू मच लेस इज मोर. सो वी एंडेड अप वेयरिंग व्हाट यू आर सीइंग मी इन टुनाइट. आई थिंक सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जब इंसान अपने साथ खुश हो, व्हेन यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, स्टाइल बिकम्स कम्फर्टेबल. एंड स्टाइल डजंट मीन बिग ब्रांड्स, इट मीन्स हु यू आर. सो आई थिंक दैट That works fine. So aaj ka theme tha street couture. So I wanted to wear something that is an amalgamation, a mix up of couture and street. So I have a very, I come from a middle class family, and that's you too, yes, a lot of us do. We know what it is to shop from the streets, and it's a fantastic idea. Then I added the diamonds, and I added the suit by Massimo Dutti. I have a body harness. I have these very sexy shoes from Renee. And I have a Judith Lieber. So mixed it up. जैसे मैंने पहले ही कहा था आप सबसे, my heart is in the right place.
सो आई थिंक इट्स अ सेकेंड इनिंग्स और आप सबकी दुआओं ने बहुत असर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा है कि ब्लैक मेरा फेवरेट कलर हो गया है, बट लक्ष्मी हैज स्टाइल्ड दिस एंड इट्स एन इंटरनेशनल डिजाइनर एंड आई रियली लाइक इट, सो एच टी मोस्ट स्टाइलिश। आई थिंक सब लोग बहुत अच्छा स्टाइल कर रहे हैं। आई थिंक टुडे इंडिया में, बॉलीवुड में जिस तरह से स्टाइल लेवल एकदम अप हो गया है, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग इज हैपनिंग, आई थिंक एवरीवन इज पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। जी मिलेंगे आपको इस साल, तीन रिलीजेज और दिखेंगे, दो फिल्में हिंदी में और एक तमिल। थैंक यू। क्या 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 टिप्स? आई मीन मैं कोई टिप्स नहीं देना चाहती, बट आई थिंक मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि फैशन वो ही होता है जिसमें आप सबसे ऑथेंटिक फील करो, सो फॉर मी फैशन इज कम्फर्ट। आज का थीम स्ट्रीट कुट्योर है, तो उसी थीम को माइंड में रखते हुए दिस इज़ अ स्ट्रीट वर्जन ऑफ अ साड़ी, तो ये ड्रेप साड़ी जैसा है बट इट गॉट दिस न्यूयॉर्क स्ट्रीट एलिमेंट, सो दैट्स द वाइब। थैंक यू। Yeah, 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 yeah.
अच्छा, बड़ा शाना क्वेश्चन है यार ये, अभी होमवर्क किया मैंने कुछ नहीं. आई एम वेरी हैप्पी यार, आई एम वेयरिंग अनुज मदान एंड इट फिट्स मी लाइक अ ग्लव, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. इट्स नाइस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हु ऑल स्टाइलिश पीपल आर देयर इनसाइड. आई कैन ऑलरेडी सी अ लॉट ऑफ स्टाइलिश पीपल हियर. This is Anuj Madan and I've been styled by Anisha. So yes. Baki Fukritri aa rahi hai. Ah. So very excited for that and it'll be fantastic. Thank you. Hello. मेरे जैसा मैच कर रहे हैं. स्टाइल मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन मैं लकी हूँ क्योंकि एक टीम है मेरे साथ. ये तो अगर मुझे रोज सोचना पड़ता कि अभी क्या किया जाए तो मेरा दिमाग खराब हो जाता. तो रोज के लिए मैं एफर्टलेसली घूमती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे काम पे आना पड़ता है, आई हैव अ ग्रेट टीम एंड आई एंजॉय इट. मैं आज खुद तैयार हुई, लेकिन मेरी स्टाइलिस्ट सनम थी मेरे साथ और मुझे एक घंटा लगा. राहुल मिश्रा, या इट इज़ रियली ब्यूटिफुल एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क ऑन इट. ही इज़ रियली अमेजिंग, आई लव हिम. I'm so happy. I'm very happy because there are a few films or shows or whatever. There's, you know, कोई कोई ऐसा content होता है जो 360 लोगों को पसंद आता है. तो audiences, critics, industry और Jubilee's show like that. It's very nice.
मालूम है. थैंक यू थैंक यू. क्या पूछोगे उसका पूछो तो क्या कहना चाहेंगे पहले पूछ दो. हाँ जी साड़ी के बारे में रॉ मैंगो एक ब्रांड है तो उनका है ये साड़ी और साड़ी पसंद है बस और कोई रीज़न नहीं है. गिफ्ट चाहिए. मर्दों का पता नहीं बट रेखा जी टाइमलेस ब्यूटी वो भी साड़ी में. हाँ वही वही इंस्पिरेशन है. मैं ज़्यादा नहीं 30-40 मिनट बस यही सवाल था साड़ी के बारे में पूछना था. ये लो पहले तो पूछा भी नहीं बोला आप ये क्या करना. Wow, very nice. Good. I'm very good. How are you? So, स्टाइल फॉर मी इज कम्फर्ट और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए आज यहाँ हूँ और बहुत खुश भी हूँ. अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होने पर. काफ़ी सारे लोगों से मिली काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मिली हुआ वेरी स्टाइलिश एंड इट्स फन टू बी हियर है ना. दैट वॉज द होल थिंग बिकॉज मुझे लगा कि मैं कुछ अलग करूँ तो हमने ये कॉलर और मेरी जीन्स के साथ पेयर किया है. सो मेरी जीन्स में ऐसे स्टाइल है. ठीक है so much. आप सब ठीक है? Good, nice to see you. क्या बोलना है भाई? अरे नहीं बहुत अच्छा है. लोगों ने invite किया यहाँ में. Style को celebrate. What is style mantra? What is my style mantra? जैसे आप देख सकते हैं, black on black. Absolutely love it. You also black on black? अरे यार मुझे कहीं तो जाने दो वो सवाल के बारे में. इस वक्त तो कुछ नहीं बताना चाहूँगा. इस वक्त आप बस मेरे कपड़े दें. थैंक यू. कंफर्टेबल कूल लेड बैक. नहीं कितना टाइम? एक घंटा. हाँ ये एक घंटा लेती है. मुझे 5 मिनट लगते हैं. मैं सुबह उठते ही ऐसे कपड़े पहन के घूमता रहता हूँ. थैंक यू. हमसे कुछ पूछना. अंजलि मध्यमा पीयूष. बहुत बढ़िया.
जी हाँ, मैं जस्ट लैंड किया हूँ। I'm wearing baloney, very happy, very excited. I'm looking, I think I'm looking great. Yeah, you are looking great. Custom outfit by Riya Rastogi. Yeah, and I'm styled by Creation Grip, and I'm wearing blue. It doesn't have more. I feel like I'm in a glass right now. It's okay. Okay. कैसे है सब? थैंक यू। ऑनेस्टली हमारी कोई तैयारी नहीं होती, हमें जाके बैठना होता है। हमारी जो टीम है एक्चुअली वो तैयारी करती है, सारी मेहनत उनकी होती है। हम थोड़े यहाँ वहाँ इनपुट्स देते हैं कि नहीं ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। ये डिज़ाइन किया है अंजुम कुरैशी ने, तो रेड कार्पेट आउटफिट है। मुझे सिंपल रखना ज़्यादा पसंद है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड ड्रेसिंग मुझसे नहीं होती है। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, मतलब पेशेंस नहीं है मुझे वो चीज़ के अंदर। तो मैं ज़्यादा देर मेकअप के लिए नहीं बैठ सकती, ज़्यादा देर बाल करने के लिए नहीं बैठ सकती। जितना जल्दी करो उतना अच्छा है। मोस्ट ब्यूटिफुल बहुत सारे, मतलब मैं कैसे बोलूँ, एक 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 किसी का नाम नहीं मैं ले सकती हूँ। आई थिंक वी हैव सोनम, वी हैव दीपिका, वी हैव श्रद्धा, आलिया, सारे अच्छे हैं, किसका नाम नहीं लूँ यहाँ पर। आज की थीम है स्ट्रीट कुट्योर, तो हमने स्ट्रीटा राजगोपाल जो मेरी स्टाइलिस्ट है, ये इनका आइडिया था कि हम कुछ स्ट्रीट स्टाइल कुट्योर के साथ, यू नो, लेट्स डू समथिंग फन विद इट। तो तरुण तालियानी का स्कर्ट पहना है और मेरी अपनी मेरा अपना टैंक टॉप पहना है। तो वी जस्ट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद इट एंड हैव सम फन विद द थीम, क्योंकि ये थीम कभी सुनने में पहले मैंने, मतलब आई हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी थिंग दैट हैज हैड स्ट्रीट कुट्योर एज अ थीम, सो आई एम एंजॉयिंग बी हियर टुडे। थैंक यू सो मच। हेलो, हाउ आर यू?
बिल्कुल भी नहीं, मैंने बस इतना ही है जितना आप देख रहे हो, इससे ज़्यादा हमारे पास स्टाइल है नहीं। तो मेरी बीवी करती है स्टाइलिंग, सो आई एम वेरी पुअर इन स्टाइलिंग, बट यस मेरे काम में बड़ा स्टाइल है। सो बस आ जाएं एसटी अवार्ड्स, कुछ पुराने दोस्त मिलेंगे और बस। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। सेम, हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही शहर से हैं, तो स्टाइल हमारा ख़त्म हो जाता है। बटन भी आज थोड़ा सा एक खुला रह गया। नीड टू चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू। आपको किसने बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ ऐसा फाइनल नहीं है अभी, बिकॉज वो अभी फाइनल नहीं है, जून में जाएगा या कब, बट हाँ हमारे कुछ अब्रॉड में शोज़ हैं, सो उसके लिए पूरी टीम जा रही है, सो मे बी थोड़ी देर के लिए हम ऑफर जाएंगे, बट वो अभी कंफर्म नहीं है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। Very good. Thank you so much, guys, for inviting me. Love you so much. I'm opening restaurant at 11. At 11, everyone come, please. We eating burger together. Yes. And your outfit is very beautiful. Thank you so, so much. Little about the black tie. This is stylish. Yes, this stylish. Just like. Very good. According to you, who is the most stylish actor in Hindi film industry? Stylish actor? For me? In Bollywood? In Bollywood. In Bollywood? Shah Rukh Khan sir. I love Shah Rukh Khan sir. Yes. You watch Pathaan?
Yes, I love Pathak. Yes, yes. Best. Yes, best, best. और आपका क्या कुछ आने वाला है? We have so much new, it's so much new project we have. I'm opening a restaurant. Also, I'm doing my new song. His name is Barish Coming. Coming. Yes. This coming, coming. Yes. Sing the song, few lines. Which song? Barish? This is not allowed, not allowed. Okay, your favorite? My song? Your favorite? My favorite? स्वागत नहीं करोगे हमारा छोटा भाई जान आए छोटा भाई जान छोटा भाई जान आए छोटा भाई जान सबके दिल पे छोटा भाई जान छोटा भाई जान आए छोटा भाई जान थैंक यू सो मच थैंक यू बाय थैंक यू ब्रदर ब्रदर कुर्की होल्ड होल्ड चल उधर ले जा Done, brother. थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर ये बहुत सर आपको अच्छी लग रही है हाँ किस आपको चाहिए देखो सर अभी तो खोलना मुश्किल होगा बाद में बट थैंक यू सो मच सर मेरे को हमेशा वही एक चीज़ लगती है कि स्टाइल के साथ सब बोलते हैं कंफर्ट कंफर्ट बट अभी मैंने रियलाइज़ किया कि कंफर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट्स ही बड़े ज़रूरी हैं तो एक एक्सपेरिमेंट किया है लेट्स सी सर बॉलीवुड में सभी लोग अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके के स्टाइल करते हैं लेकिन मुझे लगता है हाँ सबका अपना एक यूनिक स्टाइल है अपना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग विच इज़ ग्रेट कंफर्टेबल सर जैकी श्रॉफ मुझे लगता है सर मतलब वो इतने कूल है ना ओह तो वो एक स्टाइल है जो मुझे बहुत पसंद है कलरफुल ना मस्त समरी लग रहा है जी ये एक्चुअली ये अम्रपाली ज्वेलरी मुझे उनकी ज्वेलरी बहुत पसंद है और आउटफिट पुनीत बलान का है उनकी स्टाइल्स मुझे बहुत पसंद है कलरफुल वाइब्रेंट होते हैं तो स्टाइल्स बहुत पसंद है सभी पसंद करते हैं सभी को अच्छा लगना पसंद करता है आपका अच्छा शर्ट है सभी ड्रेसअप होके आते हैं तो सभी को स्टाइलिश देखना पसंद मतलब पसंद तो है मुझे कंफर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आज के सूट में मस्त 4-5 पॉकेट है तो कंफर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई 1 घंटा लगा है मैं भी फ्लाइट से आया हूँ मुझे 1.5 घंटा लगा हाँ जल्दी दोनों
जी, बस तितली खूबसूरत लगती है, कैटरपिलर से तितली बनते हैं तो बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, उतना ही। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत दिनों बाद निकला हूँ तो आई एम वेरी एक्साइटेड। इंटरेस्टिंग मंथ है, मेरी फिल्म भी रिलीज़ हो रही है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। भाई टाइम लगेगा, अभी थोड़ा वक्त बन रहा है, गर्म हो रहा है। या, या। जैसा देश वैसा भेस, जहाँ जाते हैं वहाँ ठंड है गर्मी है, उस हिसाब से करते हैं तैयारी, और जैसा शहर है कितना फ्री है कितना मॉडर्न है उस हिसाब से। या चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत खुश लग रहा है इधर आके, और बहुत पर्सनालिटीज़ भी है इधर, तो रियली वन अमॉन्ग देम आई थिंक इट्स रियली नाइस, क्योंकि ये अवार्ड्स डेफिनेटली स्टाइलिश अवार्ड्स, मतलब यू हैव टू बी कम्फर्टेबल इन वॉट यू वेयर, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सनैलिटी, फॉर अ पर्सन एंड फॉर अ वुमन। आई थिंक वुमेन लव टू ड्रेस, सो आई थिंक आई लव टू ड्रेस, बींग अ बैडमिंटन प्लेयर हमेशा हम स्पोर्ट्स अटायर में रहते हैं, तो कभी कभी बाहर आते हैं तो यू ड्रेस अप योर सेल्फ, सो आई रियली लव टू ड्रेस अप, सो या। अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट स्टाइलिश बैडमिंटन प्लेयर बहुत लोग हैं आई वुड से, क्योंकि हर एक लोगों को हर एक स्टाइल पसंद रहता है, तो आई मीन वी आर नोबडी टू नो और वी आर नोबडी टू decide what they like or what they don't. So I think everybody has their unique style. I think we need to appreciate that, and because the most important thing is you need to stay comfortable in what you wear and you need to like it. So yeah. Just one more. I don't want to talk about it.
क्या बताऊँ आप यार, आप बताओ आज कुछ, आप बोलो, मैं हर बार मैं ही बोलता हूँ सर सुन क्या बताऊँ है जो है हाँ भाई है, मेरे को पता नहीं, मैं पहन लेता हूँ चीज़ें, बस फील आता है पहन लेता हूँ, काम कर जाता है कभी कभी नहीं करता बस आपको आप अब मुझे देखो इससे क्या सवाल पूछो आज हाँ ये मुझे अच्छा लगा, मुझे पूरा आउटफिट ही अच्छा लगा इसलिए पहना है, पर आपने क्या पहना है आज? अच्छी जीन्स है, पर जीन्स अच्छी है आपको भी पता है, अरे आप सोच के है ना आज स्टाइल अवार्ड्स है, आज फटी जीन्स पहनूंगा, है ना, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरा भाई अभी मैं इतना मैं फिल्मों पे ज़्यादा काम करता हूँ, काम पे काम रखता हूँ और फील आता है जो कर देता हूँ बस भाई ऐसे बस यही है, चल रहा है अच्छा बाय 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 सर सी यू सॉरी भाई It's always a great honor to come to the Hindustan Time Most Stylish Awards, and it's especially wonderful that the Hindustan Times is an institution I've always admired all my life. Zindagi bhar maine Hindustan Times padhi hai, aur main samajhta hu ke aise न्यूज़पेपर जो हैं सिर्फ पत्र नहीं है, पत्रकार नहीं है, इंस्टीट्यूशंस हैं, और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी बहुत ख़ास जगह बनाई है, तो यहां इस फंक्शन में आने का मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ऐसे अवसर कम मिलते हैं और ये अवार्ड बहुत स्पेशल है। थैंक यू। किसके बारे में? आउटफिट मेरा स्टाइल जो है हमेशा इंडियन एंड वेस्टर्न रहा है, और जब मैं हिंदुस्तान के बाहर जाता हूँ तो ज़्यादा इंडियन होता है। रोम फिल्म फेस्टिवल मैंने बंगाला पहना था, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में मैंने शेरवानी पहनी थी, एक बार एक कॉन्सर्ट में जर्मनी में मैंने पंजाबी लुंगी पहनी थी तो मेरा स्टाइल इंडियन एंड वेस्टर्न है, लेकिन बाहर हिंदुस्तान के बाहर जाता हूँ तो हमेशा हिंदुस्तानी एलिमेंट ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। Yeah.
Hi. Hi. लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? It's put on by my stylist Isha Bansali and something different this time and look forward to the event. टिप्स यही देख सकते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को एक अभिव्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है आपका फैशन स्टाइल, जस्ट लाइक मूवीज एंड पोइट्री, ये भी एक आर्ट का एक्सप्रेशन है. बॉलीवुड का फैशन लाइक करता हूँ मैं, शाहरुख सर का फैशन लाइक करता हूँ. आई थिंक ही इज द मोस्ट स्टाइलिश पर्सन. या थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ हाँ, 25 अगस्त को ड्रीम गर्ल 2 आ रही है, बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, तो पूजा से बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे. थैंक यू. मुझे लगता है स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है. हर किसी को एक अपनी एक खुद की स्टाइल होनी चाहिए और वो फोर्स नहीं होना चाहिए, वो अंदर से आना चाहिए. एंड आई फील कि स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में अच्छे कपड़े, अच्छा रहना, अच्छे बात करना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूरी तरह से हम ना ही स्टाइल में जिए पर ऑनेस्टली से जिए, और वो एक स्टाइल अगर बन जाए तो अच्छी बात है. आपने देखी कैसा लगा? इसके बाद इंशाल्लाह 2-3 महीने के बाद कुछ आने वाला है. अभी बस लॉन्च हुआ था मिसफिट्स, इंशाल्लाह अमेज़ॉन पे आएगा, देखने के बाद फिर बात करते हैं. थैंक यू. ये मुक्का मारने के लिए लास्ट टाइम मेरी काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी इस पर, तो मैंने सोचा कि उस चीज़ को थोड़ा और कायम किया जाए. सो या आई एम वेयरिंग इट अगेन, आई रियली लाइक इट. आई मीन मुझे ये 1.5 महीने तक पहन के रखना है, सो आई थॉट व्हाई नॉट एंजॉय इट विद अ लिटिल बिट ऑफ फैशन. एंड इट्स HT स्टाइलिश अवार्ड, सो आई हैव टू बी काइंड ऑफ स्टाइलिश, देयर इज नो अदर ऑप्शन. ओके, सो फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद मेरी बोन में कैविटी थी जिसकी बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ी. सो बेसिकली यहाँ से काट के बोन ली गई और वहाँ पे बोन डाली गई. सो काइंड ऑफ दैट. थैंक यू. Come here because it's Hindustan Times and it's India's most stylish. So one always likes to think ki aap up to date with style hain. So I feel that
This is a very important awards because today in our country, I think style, personal style has become very important. So I think it's to endorse that we Indians are finally getting, not finally, but of late have been getting a fabulous fashion content in our country, and which was not available to us when we were in the industry many, many years ago. So as far as my look is concerned, this is put together by myself. So no stylist, no designer, this is just me. Yes. India's most stylish award, eagerly awaited award, one of the original award for stylish. Of course, stylish jo hai, wo complete persona hota hai. Sirf kapde ya fashion nahi. Aapki personality, aapki puri boop shaksiyat wo hoti hai. Aaj inka theme hai street fashion, street couture. तो जो स्ट्रीट पे फैशनेबल है वो पहनकर लोगों को आने के लिए कहा गया है। तो जब हम स्ट्रीट से कपड़े खरीदते थे तो फैशन ध्यान में नहीं था, सिर्फ अफोर्डेबिलिटी ध्यान में थी, और आप जो हम पहनते हैं वो स्ट्रीट का फैशन है। समझ आई बात? ताली बजाओ। जब हम स्ट्रीट से कपड़े खरीदते थे तो फैशन नहीं, अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान था। अब जो हम पहनते हैं वो स्ट्रीट का फैशन है। दोबारा ताली। याद है कि जब HT का पहला स्टाइल अवार्ड्स शुरू, जब स्टाइल अवार्ड्स शुरू हुए थे तो मैं उसके लिए भी आई थी, और मैं उस वक्त अपने साड़ी डिज़ाइन कर रही थी, तो साड़ी पहन के आई थी मैं। और इतना अच्छा लग रहा है कि ये जो अवार्ड्स हैं बस बड़े होते होते गए हैं, एंड यू नो देव जस्ट कंटिन्यू टू ग्रो एंड गेट बिगर एंड बेटर एवरी ईयर। सो आई लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी ग्लैमरस नाइट। तो फिलहाल थैंक यू। जी हाँ, है तो यूनिक। उन्होंने बोला था कि आज का जो इवेंट है उसका थीम है स्ट्रीट स्टाइल कुट्योर, तो ये थोड़ा स्ट्रीट स्टाइल है। ये है रॉकी स्टार, मैं रॉकी स्टार पहन रही हूँ, एंड आई हैव वॉर्न हिम इन मेनी 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 इयर्स, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनका क्रिएशन पहने। शांति से
आ जा ले, बातें मैं करता हूँ, चल। हाँ हाँ, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये स्ट्रीट कोतवर फैशन, देखिए अगर आप नोटिस करेंगे मेरे जो जूते हैं वो स्केचर्स हैं, एक ब्रांड का कॉन्शियसनेस आ चुका है, वॉच गुची है, ये अदा मलिक है जिसने मुझे बताया कि फैशन क्या होता है। हम अपने संगीत पे रहे इतने साल तक, लेकिन अभी मुझे कहती है डैड वेयर दिस, सो आई वोर दिस। स्टाइलिश सिंगर, वो देयर आर सो मेनी। अब देखिए मैं एक संगीतकार हूँ तो मैं तो अपनी आवाज़ से ही सुनकर समझता हूँ कि कौन क्या है। जो अच्छा गाता है वही मेरे लिए स्टाइलिश सिंगर होता है। लेकिन अब नाउ आई थिंक इवन सिंगर्स लाइक एक्टर्स आर वेरी फैशन कॉन्शियस, तो बहुत दिखते हैं आजकल नए नए लड़के आए हैं। यस्टरडे मैं काम कर रहा था जुबिन के साथ, जुबिन नौटियाल, एंड इज़ अ वेरी टॉल बॉय, एंड वो जब मेरी रिकॉर्डिंग में आया तो ही लुक्ड, एक बैंडाना पहना हुआ था उसने, या कोई टैटू था उसके, एंड आई फाउंड अ वेरी स्टाइलिश। सिंपल ड्रेस था लेकिन उसमें एक अदा थी, अदा इज ऑफकोर्स अदाज नेम, तो आई लाइक द वे ही ड्रेस्ड। और सभी हैं, सभी अच्छा, दे ऑल लुक गुड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Associated from day one, I think everybody does fashion awards, they do film awards, they do many talents, but the thing is about style is that either you have it or you don't. So it is a fantastic opportunity for people to show that, and sometimes you don't really have to show style, it speaks from within. So we are happy that HT has come up with this property, and it's such a successful property. Everyone wants to be there, and I'm here all the way from Delhi also to attend. Thank you. अरे चल अभी यहाँ से, वहाँ से क्या सर? अरे हेलो सर, नमस्ते। थैंक यू सर, आप तो मेरी खूबसूरती आपकी नज़र की वजह से, सो बहुत बहुत शुक्रिया। HT स्टाइल अवार्ड पहली बार हम दोनों इकट्ठा होस्ट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग हमारे लिए कि पहली बार जिनीलिया भी होस्ट कर रही है, एंड आई एम ग्लैड कि इनका जो होस्टिंग डेब्यू है ये मेरे साथ हो रहा है इस शो में, सो एक्साइटिंग चीज़ है आज के। नहीं, रितेश तो प्रो है, रितेश तो वी ऑल नो इज अमेजिंग, तो उनके साथ मतलब एक स्टेज पे टू होस्ट इज इन एनी विच वे इज अ बिग डील, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। सबसे ज़्यादा हावी कौन? मैं आई थिंक होस्टिंग में नहीं, मैं हावी नहीं रहूँगा क्योंकि घर भी जाना है। थैंक यू। नहीं, ये जो थीम था वो है स्ट्रीट कुटोर, तो आई थिंक मनीष हैज डिजाइन माय आउटफिट, एंड आई थिंक मनीष हैज आल्सो, सो वी आर वेयरिंग मनीष, एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग बिकॉज़ इट्स ओवरसाइज्ड, इट्स कंफर्टेबल, इट्स स्टिल स्टाइलिश। XO का मतलब आपको पता ना क्या है? Thank you.
ज़रा नवाजी के लिए शुक्रिया भैया। कौन है? नहीं, ये आज मैं जो पहना हूँ इट्स स्ट्रीट कोथियूर है ना, तो अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा। आई एम वेयरिंग देवेश कोठारी, ये आज के डिज़ाइनर है, मेरी स्टाइलिस्ट है सुजाता। और मैं कंफर्टेबल रहता हूँ यार, इजी रहता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग पसंद हैं, मुझे ऋतिक रोशन पसंद है, मुझे शाहरुख खान पसंद है, मुझे प्रियंका चोपड़ा पसंद है, काफ़ी लोग। कोई बड़ा आदमी आ गया तो यार, मैं तो स्टाइलिश हूँ नहीं बंदा, जो कपड़े मिलते हैं वो पहन लेता हूँ, मगर स्टाइल अवार्ड्स है तो आज खुशी हो रही है यहाँ पे आके। देखेंगे क्या है, कौन स्टाइलिश अवार्ड जीतता है, आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी। भाई बॉलीवुड में तो सब लोग स्टाइलिश है। रणवीर सिंह मुझे लगता है बहुत स्टाइलिश है, एक उसका अलग सा पर्सनालिटी है, एक अलग सी उसकी स्टाइल है, आई थिंक आई लाइक हिम वेरी मच। ठीक है, सी यू। मानना चाहती हूँ कि मैं स्टाइलिश हूँ और हमेशा देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आज मैंने ज़ेबा का डिज़ाइनर वेयर साड़ी पहना हुआ है, विच आई रियली लव, बहुत स्पार्कलिंग है एंड आज की रात भी बहुत ग्लिटरी और स्पार्कली होगी, तो आई एम रियली एक्साइटेड। मेरे लिए स्टाइल मंत्र है जितना रॉयल हो सको, जितना एलिगेंट हो सको। मैं बहुत ही लग्जरी वेयर में बिलीव करती हूँ और यही मेरा स्टाइल मंत्र है। इस साल पहली बार आई हूँ मैं HD के मोस्ट स्टाइलिश आइकॉनिक अवार्ड्स पर, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं जानना चाहती हूँ कि इस साल के सारे विनर्स कौन कौन होंगे। Yeah, tell me sir. Aye, shukriya, thank you so much. Main sharma gaya. Okay, haan, kya keh rahe hain hum? Yaar, aisa hai, Touchwood, Jubilee ko bahut blessings mili hain, to mujhe laga almost silver Jubilee ho jaye aaj. So yeah, and also I think
दिस इज एन इवेंट वेयर यू कैन रियली गो ऑल आउट विद योर यू नो स्टाइल सेंस. आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं जो यू नो आप अमूमन एक नॉर्मल डे पे नहीं पहनेंगे. यू नो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यू नो फैशनेबल ब्लिंगीएस्ट कूलेस्ट यू नो अवार्ड शो. सो या आई मीन आई थॉट दिस इज द प्लेस टू वेयर दिस. बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया शायद सब गलत किया, लेकिन अपने किए पर पछताना और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना मेरे उसूलों के सख्त खिलाफ है. सो यार देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्टार्टिंग फ्रॉम रणवीर टू शाहिद भाई. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ स्टाइलिश पीपल इन आवर फ्रेटर्निटी. एंड व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स आई थिंक आई लव आलिया स्टाइल. There are a lot of people actually, so yeah. Thank you so much guys, see you around. Thank you so much. अच्छा बात है. तुम लोग ना चालू. हाँ. अवार्ड के बारे में HTCD स्टाइल अवार्ड मेरे को कोई एक्टिंग के अवार्ड नहीं दे रहा, सारे स्टाइल के अवार्ड दे रहे हैं, बट मैं बहुत खुश हूँ. जगू दादा जैकी श्रॉफ अपना बिल झाड़ लगा. थैंक यू सो मच. मेरा लुक सिंपल है यार, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ. जैकेट अच्छा लग रहा है, जैकेट मैंने खुद ही इन्वेंट किया है, इस पर जो स्टिकर विकर है खुद ही लगाया है मेरे हिसाब से, और मुझे अच्छा लगता है. मैं हमेशा थोड़ा सा फैशन के जलवे के मूड में रहता हूँ एंड बहुत अच्छा लगता है. और आज फैशन HT फैशन अवार्ड है और 100% बहुत ही अच्छे अच्छे उसमें लोगों को अवार्ड मिला जा रहा है, तो इट्स रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड द अवार्ड. बाकी सब फर्स्ट क्लास. यहाँ पे भी थैंक यू. ओके ओके Yeah.
स्टाइलिस्ट हैं शिफा गिलानी, वो मुझे ऐसे कपड़े पहनाती हैं एंड आई थिंक हर एक्टर का या हर पर्सनैलिटी का अपना अपना एक स्टाइल होता है. मुझे शायद ग्रंज लुक बहुत पसंद है तो नाउ शी इज़ लाइक ड्रेसिंग मी लाइक. मुझे लगता है कि जो आपको पसंद है ना पहनना उसको पहनिए, और अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं जो जिसमें आप जो भी आपने कपड़े पहने हो तो आई थिंक आप अच्छे लगेंगे. थैंक यू. ये क्या अवार्ड्स के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, हर साल एच टी अवार्ड्स होता है और हिंदुस्तान टाइम्स एक अलग रिश्ता है हमेशा से, और बस आज एच टी अवार्ड्स में आए हैं. मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स हैं, सो देखते हैं किसे अवार्ड मिलता है, शायद हमें अवार्ड मिले. ये मेरी खुद की क्रिएशन है जो मैंने क्रिएट की है, प्रियंका मेरी स्टाइलिस्ट है, उन्होंने मेरी हेल्प की है. Own creation, same. Like it's a boss suit, but yeah, I chose it. So apna hi. Thank you. Hi, kaise ho? Hi, hi, hi. जी, जी, जी. Telecast चल रहा है शायद. आई थिंक टेलीविजन एक ऑफकोर्स, और जब कपिल शर्मा शो पे बुलाया गया जिसमें क्वींस ऑफ टेलीविजन एपिसोड है आज, तो यू नो बहुत अच्छा लगा कि टेलीविजन में हम इतनी मेहनत करते हैं और कभी उसका क्रेडिट मिलना भी ज़रूरी है. तो आई थिंक जितनी भी लड़कियां वहाँ पर थी, दिव्यांका, मैं, अनीता, उर्वशी, ये सारी मेन लीड्स ऑफ टेलीविजन रही है हमेशा से, और सब बालाजी लीड्स रही है. तो जब हम लोग वहाँ पर थे, ऑफकोर्स कपिल शर्मा शो में हो आप तो इसके बिना तो रहा नहीं जाएगा, तो बहुत अमेजिंग शो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से सबने अपनी अपनी जर्नी को वहाँ पर शेयर किया है. नॉट रियली बट येस, माई फिल्म इज़ कमिंग, वीर सावरकर, तो आप उसमें ज़रूर देखें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं आज पहना हूँ सूट. नॉर्मली मैं पहनता हूँ स्नीकर्स एंड नहीं, अच्छा था, इट वॉज एंटरटेनिंग एंड आई डोंट कम टू मैनी ऑफ दीज, सो इट्स अ नाइस चेंज फॉर मी. अभी नहा के आया हूँ इसलिए. आई एम वेरी एक्साइटेड आज ये एच टी स्टाइल अवार्ड्स और स्ट्रीट फैशन, तो जितना स्ट्रीट फैशन है मैं पहन के आया हूँ. मैं ज़्यादा कलरफुल कपड़े पहनता हूँ, आज कोशिश की है कम कलरफुल कपड़े पहनने की. मुझे लगता है आज अनन्या ने कलरफुल कपड़े पहने, तो आई थिंक या शी इज़ ड्रेस्ड वेरी कलरफुली टुनाइट. वेल, फैशन वही पहनो जो विच यू आर एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल, एंड आई थिंक सस्ता फैशन हमेशा अच्छा फैशन होता है. थैंक यू. अरे अब्राहम, जब इनवाइट आया था उस पर लिखा हुआ था स्ट्रीट कुट्योर, और मैंने बहुत स्टडी किया कि स्ट्रीट कुट्योर होता क्या है, और फिर उसमें मेरे फ्रेंड्स ने बोला बॉम्बर जैकेट पहन लो, लूज पैंट्स पहन लो, मेरे पास थी नहीं, तो मेरे पास यही बॉम्बर जैकेट थी एंड आई थिंक आई लाइक इट, इट्स वेरी ब्लिंगी एंड लॉट ऑफ आई थिंक इट्स मेकिंग मी स्टैंड आउट, और वही है आज की शाम स्टाइल के बारे में. आई लव रणवीर सिंह. आई थिंक एक ऐसा एक्टर है जो कि
कुछ भी पहन ले बहुत कॉन्फिडेंस से कैरी करता है. आई नो ट्रोल भी होता है बट आई थिंक ही लव्स हिमसेल्फ. और जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे, खुद को प्यार नहीं करोगे, तब तक दुनिया कैसे करेगी. थैंक यू सो मच. एंड प्लीज़ वॉच छत्रपति ऑन द 12th of May इन थिएटर्स.